सुकमा, तुम आखिर करोगी क्या वहां जाकर? अरे तुम जर्नलिज्म में मास्टर हो, प्रोडक्शन हेड बन सकती हो, विश्वास समझाओ यार इसको। अरे उन जंगलों पहाड़ों के गांव में रहकर क्या जानवरों और पेड़ पौधों को स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाओगी? अपना करियर क्यों दांव पर लगा रही हो? अरे यार तुम चुप क्यों हो विश्वास? नावा नार बदले आसिता। क्या? नावा नार बदले आसिता। मैं जिस कम्युनिटी से आती हूँ उसे बैगा कहते हैं, तुमने तो नाम भी नहीं सुना होगा। पढ़ना लिखना तो दूर, हमने तो स्कूल का नाम भी नहीं सुना था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, मेरा गांव भी बदल गया है। हमारी भाषा में कहें तो नावा नार बदले आसिता। ये सब बेकार ही बहस कर रहे हैं। मुझे पता है सुकमा कभी हार नहीं मानेगी। उन पहाड़ी इलाकों में अंदर तक जाने से पहले मैं भी ऐसे ही बहस करता था। सुकमा की जिद पर हुआ था वो सफर। छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की सीमा को छूता मध्य प्रदेश के दक्षिण और उत्तर में बसा बालाघाट जिला। नक्शा बिल्कुल उड़ते पक्षी की तरह। जिले के 10 विकास खंडों में से 3 बैहर, बिरसा और परसवाड़ा पूरी तरह से जंगल और पहाड़ों के बीच मौजूद हैं। घुमावदार रास्तों पर बादलों की धुंध के बीच से होते हुए इन पहाड़ों पर चढ़ना सचमुच मेरे लिए अनोखा अनुभव था। कई दृश्य ऐसे थे जहां रुककर जी भर देखने को मन करता था। सुकमा ने बताया इन तीनों विकास खंड की कुल जनसंख्या 3,37,182 है और इनमें 57.3% गोंड और बैगा जनजाति के लोग हैं। एक समय इनका जीवन पूरी तरह जंगलों पर निर्भर था। सागौन और बांस यहां का प्रमुख उत्पाद है। इसके अलावा वन औषधियां हर्रा, बहेरा, मुसली, आंवला, महुआ, तेंदुपत्ता और कंदों का भी यहां बड़ा उत्पादन होता है। बांस की टोकनियों जैसी चीजें बनाकर ये अपना जीवन यापन करते थे। बैगा जनजाति की बात करें तो इन्हें शहरी सभ्यता या लोगों से मिलना पसंद नहीं था। विकास से ये दूर भागते थे। लेकिन धीरे धीरे परिस्थितियां बदली। ये सब संभव हुआ जंगल के दूर दराज तक पहुंची इन सड़कों से। विश्वास, इस गांव का नाम है उकवा। यहाँ मैग्नीज की खदानें हैं। इसके अलावा इस क्षेत्र के मलाजखंड में तांबे का उत्खनन होता है। विश्व विख्यात कान्हा नेशनल पार्क भी इसी क्षेत्र में है। यहाँ से मेरा गांव करीब 30 किलोमीटर है। पहले वहाँ पहुँचना बहुत कठिन था। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से बनी सड़क ने हम लोगों को विकास से जोड़ दिया। इन तीनों विकास खंडों में 250 से ज्यादा आबादी वाले गाँव में 714.14 किलोमीटर सड़कें बन चुकी हैं। गांववासी अब इन रास्तों का भरपूर उपयोग करने लगे हैं विश्वास, और इन सवारी गाड़ियों में गांव की महिलाएं साप्ताहिक बाजार जाती हैं। रोड रहने से यहां पर स्कूल के गाड़ी चल रही ने, जिससे शिक्षा के स्तर में भी कई लोग अपने बच्चन ला प्राइवेट स्कूल में भेज रही ने, जिससे कि यहाँ के शिक्षा के स्तर उठ रही से। और रोड बनने के बाद अभी आधी रात 2 बजे 3 बजे जब भी डॉक्टर को बुलाना चाहते हैं यहाँ के लोग तो डॉक्टर आ जाता है, या फिर ज़्यादा परेशानी है बालाघाट के लायक केस है तो यहाँ से गाड़ी से उठा के ले जा लेते हैं गाड़ी। सुकमा ने बताया इन सड़कों के कई लाभ हुए। व्यापार, रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी कई सुविधाएं हम तक पहुँचने लगी। सड़क तो एक आवागमन का एक अच्छा साधन है। अगर रोड अच्छी है, सड़क अच्छी है तो हम लोग अपने मंजिल तक, अपने गंतव्य तक हम आसानी से पहुंच जाते। पहले रोड ख़राब थी तो हमको इस वजह से, जैसे बंजर ही जाना है 5-6 किलोमीटर, तो हमको 1-1.5 घंटा लगता था। और अभी क्या सड़क बनने से जो सवारी वाहन है वो चलने लगे हैं तो हम आसानी से वहां तक पहुंच जाते। सड़क पक्की होने की वजह से जो अधिकारी वगैरह हैं ये भी अब आसानी से हमारे पंचायतों पर या अपने स्कूलों में अच्छा यानी नज़र रख रहे हैं। और पहले क्या होता था कि जैसे सड़क ख़राब है, वाहन नहीं आ पाते थे, अधिकारी लोग नहीं आ पाते, तो टीचर लोग भी नहीं रह पाते थे। कभी 11 बजे आना, 12 बजे आना, शाम को 3 बजे 2 बजे चले जाना, लेकिन अब परमानेंट रह रहे हैं। व्यापार के बारे में अभी बाज़ार वाज़ार भी अच्छा लग रहा है सर, यानी दुकानें की संख्या बढ़ी है अभी,
और जो सामान हमको खरीदने के लिए बालाघाट या उकवा के बाज़ार जाना पड़ता था, अब हमको यहीं बाज़ार में मिल जाता है। हाँ सर, वही बदलते देखा कि पहले सड़क नहीं थी, आवागमन के साधन नहीं थे, बैलगाड़ी से अपने को बोझा लेके बालाघाट जाना, बंजारी जाना पड़ता था। और अब ये ऐसा जैसे धान बेचना है या बीज खरीद के लाना है, तो अब सब सुविधा यहीं मिल रही है। सर अच्छा लग रहा है कि अभी बच्चों को भी अच्छा माहौल मिल रहा है, अच्छा यानी बाहर जाके भी पढ़ सकते हैं, और हम लोग भी हमारे बच्चों को भी बाहर ही पढ़ाएंगे। अभी यहाँ तो उतनी सुविधाएँ नहीं, 10वीं तक यानी हाई स्कूल तक बच्चे पढ़ पाते हैं। छात्रावास भी है अपने कानाटोला में, आदिवासी आश्रम, जहाँ 5वीं तक के बच्चे रहते हैं। इस क्षेत्र में कई गांव ऐसे मिले जहाँ केवल 8-10 ही मकान है। इन गांवों को भी विकास से जोड़ना था, इसलिए मात्र 100 लोगों की आबादी वाले गांवों को भी सड़कों से जोड़ा गया। विश्वास, हमारे विकास में शिक्षा का भी बड़ा योगदान रहा। हमारी बैगा जनजाति को शिक्षा से जोड़ना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन गोंड आदिवासी भाइयों बहनों को देखकर हम लोग भी शिक्षित होने लगे। मेरा नाम चंद्र कुमार मरकाम है, ग्राम चक्रवाही मलाजखंड। मैं बैगा समाज का। पहले जमाने में हमारे माँ बाप पढ़े नहीं, दूसरे समाज को देख के हमको भी यानी कि गोंड पुआर मार ये पढ़ रहे थे, यार हमारे कास्ट वाले नहीं पढ़ रहे थे, उनको देख के हम भी पढ़, यानी कि हमारे मम्मी पापा भी। मैं ग्राम निवरगांव जत्ता तहसील बैयर से आया हूँ। हमारे मम्मी पापा तो बहुत कम पढ़े, कम से कम 10वीं पढ़े, हम उनसे और अधिक पढ़ के और अच्छे पद में जाना चाहते हैं। जैसे मेरा सपना है कि मैं IPS बनूँ बड़े होकर और कुछ करूँ। जैसे हमारे जात वाले तो बहुत गांव में ही रहते हैं, बहुत कम पढ़ते हैं। कुछ लोग होते हैं वो जो समझदार होते हैं, वो हॉस्टल में रख के पढ़ाते, कोई फिर जिसको मालूम नहीं वो नहीं पढ़ाते। तो क्या होता है कि वो जो बाहर निकले जंगल में रहते तो उनको थोड़ा डर सा लगता है बाहर आने के लिए। वो सोचते हैं कि फिर बाहर जाएंगे कैसे पढ़ेंगे, कि हमारे बच्चों के साथ कुछ हो जाए, ऐसा समझ सोचते हैं और फिर निकलना नहीं चाहते वो। सर वो पहले तो जंगलों से बांस लाते थे और कुछ फर्नीचर बनाते थे, जैसे चौकनी वगैरह, और बहुत सी चीज़ बनाते थे और बेचते थे और अपना पालन पोषण करते थे। लेकिन अभी कुछ बहुत लोग जो पढ़ चुके 8वीं पास 10वीं पास की, उनको सरकार उनकी योजना लाई और उनको नौकरी में लगा, जिससे बहुत कुछ लोग शहर की तरफ आए और अपने दूसरों को देख देख के अपने लड़के बच्चों को पढ़ा, पढ़ने में तो बहुत मज़ा आ रहा है और बहुत आगे पढ़ना चाहते हैं। तो हम पढ़ लिख कर जब कुछ अच्छे पद में चले जाएंगे तो उनको जाके फिर समझाएंगे कि पढ़ लिख के ऐसा कुछ कर सकते हैं जो आगे बढ़ सकते हैं। जंगल में ही कुछ नहीं रखा है, आगे बढ़ के और शहर की तरफ आओ और देखो कि व्यक्ति और अभी और क्या क्या कर रहा है, और 21वीं सदी तो बहुत आगे निकल चुकी है, तो इससे और बहुत कुछ कर किया जा सकता है। आदिवासी विकास विभाग के आश्रम स्कूलों और छात्रावासों का इसमें अच्छा योगदान रहा। निशुल्क आवास, भोजन और पढ़ाई के साथ ही खेल कूद ने हमारा सर्वांगीण विकास किया। ऐसे ही एक आश्रम स्कूल ने मेरा भी बचपन संवारा। सुबह मिलकर स्कूल के लिए तैयार होना और फिर कामयाबी के गीत गाना हमारी दिनचर्या थी। विश्वास, हम नहीं पढ़े हैं तो बैहर को भी नहीं घूम घाम नहीं देखे हैं, और अभी के इतना बड़े बच्चे नागपुर घूम के आ गए। इतना बड़ा बच्चा अभी दस्तखत करना सीखने लगा, पहले तो कुछ भी नहीं, अंगूठे छापते थे, हम उतना नहीं पढ़ पाए। आओ तुम्हें एक ऐसे शिक्षक से मिलवाती हूँ जो हमारी बैगा जनजाति के हैं। और पहले बड़ा दिक्कत रहा है, पढ़ाई वढ़ाई में बड़ा समस्या रहा है, और अशिक्षित लोग बहुत रहे हैं हमारे समाज कर। अब धीरे 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 फिर समाज आई स्लोगन ला, तो फिर सब लड़का पढ़ने लगा, तो फिर हम लोग पढ़ते नहीं रहा, हम रोड भी साधन नहीं रहा है, छात्रावास रहा है, तो वहाँ पर जाके अपन बड़ा मुश्किल से पढ़ाई करें सर। बारी के बाद फिर हमारे शासन ध्यान दी कि बैगा जाति ला ड्यूटी लगाना है और योजना के बारे में बताना है, तो ऐसा धीरे धीरे फिर हमला आवेदन दिन साहब जनपद पंचायत से, फिर अधिकारी आइन और हमार चयन करीन और बैहर में जाके, तो उसी प्रकार हमारे शुरू में 2002 में
और 5 बैग जाती निकली सिर्फ बारी में। उसके बाद हमारे बालाघाट जिला में सिर्फ 5 ही था जहाँ जी। तो ऐसा फिर संविदा में लग गए सर हम। संविदा से लगने के बाद फिर हमको देख देख के फिर हमारे जाति समाज के लड़का भी थोड़ा जागरूक होइन और गांव के भी थोड़ा सियाना भी रहा उनका समझ आईस कि लड़का बच्चन ला भी समझ आईस कि नहीं हमारे गांव कर मास्टर बन गए और हम भी पढ़ाई करबो तो हम भी मास्टर बनबो और आगे चल के कुछ करबो कर कर दे धीरे 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 फिर सब थोड़ा पढ़ रही ना साहब। और मेन चीज़ तो साधन नहीं को रहा है, साधन के अभाव रहा है, बिजली नहीं रहा है, ज़्यादा समस्या रहा है बिजली के और रोड भी नहीं को रहा है, इस वजह से पढ़ाई वढ़ाई होती नहीं रहा ज़्यादा। और फिर रोड भी बन गई और बिजली भी आ गए, और बिजली लगा ले डरात भी रहे लोग यहाँ के कि हमार छानी कर घर आए जड़ जा है तो फिर हम कमर पर जब हो ऐसे धीरे धीरे फिर लोगन समझाई ना आके सरपंच सरपंच रहा पहले उन समझाई अच्छा नहीं बिजली तो आने जरूर फायदा है तुम्हारा, तुम्हारे लड़का बच्चा पढ़ी लिखी और आगे बढ़ी करके लाइट रही थे लिखी पढ़ी करके धीरे धीरे फिर ऐसे विकास होते गए। हमें उत्कृष्ट बनाने और प्रतियोगिताओं के लिए तैयार करने हॉस्टल में ही विशेष कोचिंग की व्यवस्था भी है। बैगा आदिवासी बच्चों के लिए अब अंग्रेजी स्कूल भी चलाया जा रहा है। मध्याह्न भोजन योजना से स्कूलों की उपस्थिति में आश्चर्यजनक बढ़ोतरी हुई। अधिकांश स्कूलों में इस योजना को स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से चलाया जा रहा है। शुरू में क्या काम करते थे कि जैसे पैसा जमा करते थे और इसको बैंक में जमा करते थे, जरूरत जैसी पड़ी हमारे सदस्यों को तो उस टाइप से 100 लगा 200 लगा 300 लगा इस टाइप से शुरुआत की। उसके बाद हम लोगों ने मुहा का धंधा चालू किया, मुहा खरीदते थे सर चिल्लर में, इसमें सर अपन को जैसे 1 किलो पे 2 रुपया 4 रुपया बचा। फिर उसके बाद सर जैसे मध्याह्न भोजन का कार्यक्रम का निकला सर, तो मध्याह्न भोजन से जुड़े, इससे सर आज 19 स्कूल मध्याह्न भोजन ले चुके हैं। कई आश्रम स्कूलों में अब एकीकृत कार्य योजना IAP से LCD TV भी लगाए गए हैं। IAP इस योजना में उन कार्यों को किया जाता है जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है, जैसे स्कूलों में अतिरिक्त कक्ष, आंगनबाड़ी भवन, उप स्वास्थ्य केंद्र में अतिरिक्त कक्ष, सामुदायिक भवन, गोदाम, हैंडपंप, आदिवासी बच्चों का भ्रमण, बाजार और किचन शेड जैसे कई काम। इसके पहले हम जलप्रपात मतलब ऐसा भ्रमण के लिए हम लोग कभी नहीं गए, और सबसे पहले तो ये कि छात्रावास के बच्चे पहली बार गए थे, हमें बहुत कुछ हमको अच्छा लगा सर, नई नई जगहों की जानकारी हुई हमें सर, मैंने ट्रेन देखी है सर, बालाघाट के स्टेशन में रेल देखी है सर, पर ट्रेन में कभी सफ़र नहीं किया मैंने। पुस्तक में तो वैसे पहले पढ़े थे पर वहाँ जाकर देखने से बहुत अच्छा लगा, वहाँ का जलप्रपात और फिर वो उसका चट्टाने। हमारा पूरा जीवन जंगल पर ही निर्भर था, ईंधन के लिए भी हम लकड़ियों का ही इस्तेमाल करते थे। फिर वन विभाग की पहल पर सोलर कुकर, कुकिंग गैस और प्रेशर कुकर उपलब्ध करवाए गए। अब यहाँ की महिलाएं इन चीजों का प्रयोग भी सीख चुकी हैं। इसमें हम दाल भी बना लेते हैं, चावल भी बना लेते हैं, फिर मटन भी बना लेते हैं, और फिर जो चीज बना लो फिर जैसे उबालना होता है कुछ भी जल्दी से तो वो भी बना लेते हैं, भाजी भी बना लेते हैं, सभी चीज बना लेते हैं। इसमें हंडी में बनाते थे, अंधन डाल देते थे हंडी में,
उसके बाद में फिर भाजी वाजी दो बनाते थे दाल वाल को, और सब्जी बनाना है तो जैसे गन्ने में बनाते हैं फ्राई व्राई करते हैं उसी तरीके से करते थे हंडी में भी बनाओ तो कभी कभी अच्छा ही लगता है। पहले पहले पुराने जमाने के लोग बनाते थे तो अब तो सभी लोग छोड़ दिए हैं बनाने के लिए। वन विभाग ने वनवासियों के साथ अपने संबंध और मजबूत बनाए, कई स्थानों पर आंगनवाड़ी भवन, सामुदायिक भवन, सीमेंट रोड का निर्माण कराया। मेरा नाम राजकुमार अरम। ये जो भवन बना है शादी विवाह के लिए, मतलब जैसे बराती वराती लोग आए तो जनवास वनवास देने के लिए, मतलब अपने लिए पर्याप्त मतलब रखने के लिए, और जो रामायण मंडली कीर्तन भजन होते हैं तो यहीं पे हो जाता है हमारा कार्यक्रम। ऐसा पहले तो बहुत दिक्कत होती थी साहब, मतलब किसी के घर में रखते थे, और अभी ये जो बन गया है तो बहुत अच्छा हो रहा है। कहने सामाजिक उपयोग के लिए बर्तन और युवाओं के लिए खेल का सामान भी उपलब्ध कराया। सर मेरे गांव में वॉलीबॉल के बारे में लड़कों को पहले तो उतना नॉलेज नहीं था, लेकिन जैसे बाहर गांव में अच्छे अच्छे खिलाड़ी लोग मतलब उनको नॉलेज दिए, और हमारे गांव के लड़कों ने फॉरेस्ट विभाग से मांग किए कि हमको वॉलीबॉल के लिए जो सामग्री है उसको दिया जाए, तो हमारे बीट गार्ड साहब से बोले तो लाके हमको दे दिए, तो उसका इस्तेमाल करते हैं। कुछ बाहर गांव में भी खेलने के लिए जाते हैं, बहुत दूर दूर तक गए हैं, तो मतलब अच्छे प्रोग्रेस में आ गए हैं लड़के लोग। मतलब हर वर्ष जो है वन विभाग से उनको नेट वॉलीबॉल मिलता है। वन क्षेत्र में आने वाली जमीन में ये लोग काफी समय से खेती कर रहे हैं। शासन ने इन्हें उस जमीन का पट्टा जारी कर भूस्वामी बना दिया। श्रीमती सुलभाई 15, वो मतलब वो पट्टा के अनुसार क्रेडिट कार्ड मिले हैं, उसमें इतना है कि सोडा निकालते हैं DAP यूरिया, और जैसा पैसे इनका जरूरी गिरा तो फिर पैसे भी निकाल लेते हैं। फायदा वही है सर, अब खेती हम लोग कमा रहे हैं इतने वर्ष तक के, तो वो पट्टा हमको दिया गया है। हाँ पहले पट्टा नहीं था सर, पट्टा दे दिए तो वो जमीन अब हमारी तो हो गई सर। पहले यहाँ कोदो कुटकी ही होती थी, पहाड़ी क्षेत्रों का पानी बहकर नीचे चला जाता था और गर्मी के मौसम में पानी की समस्या हो जाती थी। पहाड़ी नालों नदियों पर चेक डैम और छोटे बंधानों से बहते पानी को रोका गया। अब यहाँ धान, गेहूं और मक्के की फसलें भी ली जाने लगी हैं। सिंचाई के साधन उपलब्ध होने से अब यहाँ सब्जी की खेती भी हो रही है। मेरा नाम हीरूलाल पंचतिलक है सर। मैं ग्राम रघोली और ग्राम पंचायत रघोली, विकास खंड बिरसा, जिला बालाघाट का किसान हूँ। मैं पहले छोटे से बाड़ी में सब्जी खेती करता था। मुझे इतना आय का स्रोत पता नहीं चल रहा था, क्योंकि मेरे पास बाड़ी कम थी और उसमें उपज बहुत कम लेता था। फिर मैंने सोचा कि बहुत बड़े बड़े फार्मर होते हैं, मेरे पास भी ज़मीन है और वो ज़मीन बढ़ रहा है। जहाँ पे अभी बैठे हैं, अभी आप देख रहे हैं इस ज़मीन को, ये 2 साल पहले बहुत ही बढ़ रहा था और पहाड़ी जैसा था, एक जगह पानी ठहर नहीं सकता था। तो मैंने कपिलधारा कुआ खुदवाने के लिए ग्राम पंचायत में आवेदन किया, ग्राम पंचायत के सचिव सरपंच से मिला और उनसे मैंने जानकारी लिया। उन्होंने मेरे को जानकारी दी कि आप अपने खेत में कपिलधारा की योजना के अंतर्गत कुआं खुदवा सकते हैं, और उसमें आप छोटे से प्लाट में आप सब्जी खेती करते हो उसमें आपको ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलता, आप बड़े प्लाट में करोगे तो आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा। और यहाँ पे बरसात के समय में धनिया लेता हूँ, धनिया मेरा यहाँ कम से कम 40 से 50 कुंटल हो जाता है, जो 25 से 30 से लेकर के 70 रुपए केजी तक के बेचता हूँ, उससे मेरे को अच्छा लाखों रुपए की आमदनी होती है। तो मार्केट मैं यहाँ से 120 किलोमीटर तक के जाता हूँ। इस एरिया में छोटे छोटे मार्केट हैं और इस मार्केट को देखते हुए बाहर से व्यापारी लोग सब्जी यहाँ नहीं लाते, तो हमको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है, क्योंकि हमारी मार्केट में सब्जी का रेट अच्छा मिलता है। तो मेरे को गोभी में कम से कम 1,00,000 रुपये और धनिया में 1,00,000 रुपये सालाना, मैं सब खर्च काट के 1,50,000 रुपये बचा लेता हूँ।
परिवार बहुत खुश है। दो पैसा आते तो सब खुश होते, दो पैसा नहीं मिले तो कोई खुश नहीं रहे। तो यानी घर के परिवार के जितका मोर जनसंख्या है वो सब खुश है। हमने देखा यहाँ के लोग स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना से अब स्व सहायता समूहों में जुटकर खेती और दूसरे रोजगार के साधनों को अपना रहे हैं। मन अपन गांव में इसने संगठन में बस पुराना हिसाब से इसे थोड़ा बहुत खेत सब्जी लगाते रहे, फिर सलाह एक दो बार आई दुआरे साहब हमने सलाह बताई, रावत कर जी साहब आई वो सलाह बताई कि आप थोड़ा सा जागरूकता में आओ, सब्जी फल फूल सब्जी के खेती करो, थोड़ा समूह बनाओ लाभ दिलवाएंगे इसे करके बोलीस। तो हम समूह बने और सौ सौ रुपया छः माह तक के जमा करें बिरसा बैंक में खाता खुला के, फिर तहन हमला छः माह बाद में फिर रिवॉल्विंग फंड मिलीस 25,000, फिर 25,000 में फिर हमन लाइन पूरा समूह अपन ये जो अभी खेती करते हैं वो इस प्रकार सब समूह वाले अपना अपना खेती पूरा करते चले हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना से बनाए गए इन तालाबों को बनाने में मजदूरों को तो काम मिला ही, अब ये तालाब सिंचाई के साथ मछली उत्पादन का जरिया भी बन गए हैं। आत्मविश्वास से भरी इन महिलाओं ने स्व सहायता समूह बनाकर इस तालाब में मछली उत्पादन शुरू कर दिया है। समूह बनाने की प्रेरणा ग्राम पंचायत से हमें ग्राम सभा में हमें जानकारी दिए गए सरपंच द्वारा, फिर वहाँ से फिर बचत राशि में और मछली पालन के व्यवसाय बताया गया सरपंच ग्राम पंचायत में, फिर उस दिन से हम लोग समूह कार्य करने लगे और बचत राशि में आदत डाले और मछली पालन के व्यवसाय के। उसके बाद फिर यहाँ देख रेख किए, फिर उसके बाद निकाले मछली तो मर बेचे, फिर उसको तो फिर ज़्यादा का बना, फिर 12,330 रुपये का मछली पालन से उस हिसाब से हम एक साल से जुड़े हैं तो 13,000 का फायदा हुआ हमें और बैंक में तो 12,000 जमा किए। तो इस साल पंचायत ने हमें फिर मछली पालन के लिए फिर दिए हैं तालाब, हमें अच्छा लग रहा है सर, लग रहा है और हमें आगे बढ़ेंगे ऐसा सोच विचार है हमारा। हम इस विश्वास से जुड़े रहेंगे कहते हैं सर। खेती के साथ साथ में हम लोग तालाब का व्यवसाय भी कर रहे हैं, उसमें हमको भी आमदनी होना चाहिए सर। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में ऐसे कई निर्माण हुए। मध्य पंचायत की बात लेके हम चल रहे हैं, हमारा बैगा टूला जो है एक छोर से दूसरे छोर तक पूरा मतलब अभी कच्ची रोड में बसा हुआ है। ये हमारा विचार है कि मतलब उस ज्यादा पॉपुलेशन वाली जो रोड है उस टूला के नाम से जो महावीर मंदिर से अंदर गांव की ओर जो रोड जाती है मुख्य सड़क वहाँ सीसी रोड बनना चाहिए। पंच परमेश्वर योजना सर्वसहमति से प्रस्ताव को पास कर नहीं, अब ये तो खैर सभी की इच्छा थी कि रोड बने, कीचड़ वीचड़ से जो दिक्कत होती थी उससे क्या है कि अब आने जाने में सुविधा होगी। ग्राम सभा में हम गए सर, ग्राम सभा में जाने के बाद हमको मालूम पड़ा कि लघु तालाब मतलब किसानों को दिया जाता है ऐसे करके हमने सुना, तो वहाँ पंचायत में हम ये बात रखी। रखने के बाद में फिर ग्राम सभा में ये स्वीकृति हो गई, स्वीकृति होने के बाद में फिर हमको ये मिला, मिलने के बाद में फिर यहाँ से हम सिंचाई भी कर लेते हैं, मछली पालन भी कर लेते हैं। हाँ, पूरा परिवार मिले और मजदूर वगैरह सब थे सर, इसके ये मतलब खुदाई हुआ रोजगार गारंटी के तहत, इससे सर हमको बहुत फायदा हो रहा है। इधर नीचे साइड पूरा खेत है हमारा, यहाँ से पानी जाता है और मछली भी डालते हैं, यहाँ 20-22,000 का मछली निकाल लेते हैं 5-6 महीने में, यही दो फायदा होता है। और गांव के लोग मतलब नहाते धोते हैं, गाय बैल पानी पीते हैं। इसमें सर पहले हमको पानी नहीं आता था तो खेती करने में बहुत दिक्कत थी,
फसल भी बहुत कम मिल रहा था, और जो इधर यहाँ जहाँ तालाब बना है वहाँ इतना का फसल नहीं निकाल पाते थे हम जितना अभी निकल रहा है, और उधर जहाँ सिंचाई हो रहा है वहाँ भी बहुत फसल निकल रहा है। इससे हमको बहुत आमदनी, बहुत सुखी परिवार जी रहे हैं सर। मेरा नाम ताराचंद कटरे है, ग्राम मोनपुर में रहता हूँ। मेरे खेत में मेड़ बंधान का काम हुआ है, इसलिए ज़रूरत थी कि यानी खेत के सपारी उतर गए थे और पानी नहीं रुकता था। मैंने पंचायत में बात रखी थी कि मेरे खेत में मेड़ बंधान का काम होना चाहिए। पहले की स्थिति ऐसी थी कि यानी अनाज नहीं होता था और यानी टेकरा डुमरा वाली ज़मीन थी, इसलिए नीचे का पानी नीचे चले जाता था और ऊपर का पानी ऊपर ही रहता ही नहीं था, इसलिए उसको समतल करवाया। थोड़ा 15 लोग थे मिट्टी फेंकने वाले, और कुछ स्वयं भी हमने फेंके हैं। मेरा भी जॉब कार्ड है। जॉब कार्ड धारी को सही समय पर मजदूरी मिल सके, इसके लिए BTM का सफल प्रयोग किया गया। हम पहले 5-6 किलोमीटर दूर जाते थे पेमेंट लेने, और अब है तो हम गांव ही में कार्ड के माध्यम से पैसा घर बैठे ले लेते। बालाघाट में अब तक 174 ग्राम पंचायतें BTM से त्वरित भुगतान के लिए जोड़ी गई हैं। जिले में 1,00,000 से अधिक जॉब कार्ड धारी के खाते बैंकों में खोले गए हैं, और 80,000 खाते धारकों को 8,25,00,000 से अधिक रुपयों का त्वरित भुगतान उन्हीं के गाँव में किया जा चुका है। अब ये लोग बैंकों के चक्कर नहीं काटते। और विश्वास, तुम्हें पता है बालाघाट ही पहला जिला है जिसने ये उपलब्धि हासिल की है। इस योजना के आने से पलायन लगभग समाप्त ही हो गया है। बाहर जाने में तो बेकार लगता, गांव के लोग भी नहीं दिखते थे। जो पैसा कमा रहे थे तो लाके खा पी कर रहे थे, गांव के गांव में ही कमाओ और अपने घर पे ही रहो। गांव के गांव में तो मिल रहा है काम। मेरा नाम संतुरा बाई है, गांव का नाम है कान्हा टोला। तेंदुपत्ता सीजन आती है, तेंदुपत्ता तोड़ने जाते हैं। वो तो अच्छा लगता है कि हम काम में जा रहे हैं, हमको पैसा मिल रहा है, हम कमा रहे हैं, खा रहे हैं। सर हम यहाँ बचपन से रह रहे हैं, तो अब यहाँ से छोड़ के कहाँ जाएंगे सर। पलायन तो कम हुआ है सर इससे, पहले जब से काम रोजगार गारंटी के काम खुले हैं उससे पलायन बहुत हद तक कम हुआ है। लेकिन जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे खेती बाड़ी है, यानी खेती बाड़ी में भी मजदूरी मिल जाती है, पर कुछ लोग शौक से चले जाते हैं। यही काम मिल गया तो वहीं काम करने चले जाते हैं हम लोग, तो पैसा किधर भी मिलता है उधर ही चले जाते हैं हम लोग काम करने। कहाँ खाने, अपन गाँव में करते हैं काम, बाहर नहीं जाते हैं। जरूरत का हर सामान अब इस दूर दराज इलाके में मौजूद है। शासकीय उचित मूल्य की दुकानों पर अब ये लोग अपने राशन कार्ड के साथ नजर आ रहे हैं। मेरा नाम सोनाबाई मड़ावी, मैं साइटी से 4 रुपया किलो ना कारेट से पुट्टी था, 3 रुपया किलो गेहूं पुट्टी था, 13 रुपया किलो शक्कर पुट्टी था, 15 रुपया लीटर नी पुट्टी था मटी नी। ही फायदा मंद दुकान से फायदा ही लेट, दुकान से महंगो रेट पुट्टी था। हर महीना तो राशन माक फायदादार है, बाड़ो दुकान तो फायदादार ही लेट। इन दूर दराज क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं भी अब आसानी से मिल जाती हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, उप स्वास्थ्य केंद्रों के अलावा दीनदयाल चलित अस्पताल भी सुदूर क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दे रहा है। ये जब भी किसी गांव में पहुंचता है लोग इसके आसपास एकत्र हो जाते हैं। गांव में गाड़ी आती है, गांव-गांव गाड़ी घूमती है, गांव के महिला और जेंट्स लोग सब इलाज कराने जाते हैं। ये गाड़ी आती है गांव में, इनमें डॉक्टर लोग भी आते हैं, इंजेक्शन दवा भी लगाते हैं, हमको अस्पताल तक के जाना नहीं पड़ता, यहीं इलाज करवा लेते हैं। गर्भवती और धात्री महिलाओं के पोषण की जिम्मेदारी पूरी होती है आंगनवाड़ियों में। और यदि मान लो आपको सुबह उल्टी लग रहा है या जी मचला रहा है, तो आप कोई भी खटाई खा लेंगे, पर गोली को बंद नहीं करना। हरी साग सब्जियाँ सलाद वगैरह लेना है, ठीक है ना, खाने पीने पर ध्यान दो। और जैसे कि खाना खाना है तो एकदम से पेट भर के नहीं खाना एक बार। हाँ। और आपको भी प्रसव के लिए हॉस्पिटल जाना है, घर में अपने को कोई रिस्क नहीं लेना है। जैसे बच्चा होता है साफ करते हैं, आधे घंटे के अंदर जितने जल्दी हो सके तब तक स्तनपान कराना है। मेरा नाम अंजलि किरार है। जब मैं प्रेग्नेंट हुई थी तब आंगनबाड़ी में पंजीयन करवाने आई थी 3rd महीने में, तब मेरी प्रेगनेंसी की यहाँ जांच हुई थी, पूरे टीके लगे थे, 2 टीके जो लगे थे, फिर हर मंथली जांच हुई मेरी, हीमोग्लोबिन की भी जांच हुई, हीमोग्लोबिन कम था मेरा, 8 ग्राम था,
तब मुझे यहाँ से 200 रुपये हर मंथ राशि प्राप्त हुई, जिससे मेरा हीमोग्लोबिन दवाई वगैरह खाने से बढ़ा। डिलीवरी के बाद बच्चे को यहाँ टीकाकरण लगवाया गया। उसके बाद यहाँ हर मंथ भोजन जो आता है आंगनबाड़ी के लिए वो प्राप्त होता है, और जो हर मंगलवार दलिया के पैकेट वगैरह जो रहते हैं वो प्राप्त होते हैं। खिचड़ी के पैकेट मिलते हैं और बच्चों के लिए हलवा मिलता है, महिलाओं के लिए बर्फी और खिचड़ी मिलती है। पहले कमजोरी थी, मेरी बीपी लो थी, ये सब खाने से भी कंट्रोल में है मेरी बीपी, ये सब पाकर मुझे अच्छा लगता है। डिलीवरी का समय आने पर गांव में तैनात आशा कार्यकर्ता फोन कर जननी एक्सप्रेस बुलवाती हैं। इस वाहन से महिला को जचकी के लिए अस्पताल पहुंचाया जाता है और प्रसव के बाद छुट्टी होने पर वापस घर तक भी ये जननी एक्सप्रेस ही निशुल्क पहुंचाती है। साथ ही 1400 रुपये का प्रोत्साहन भी मिलता है। राम कली मेरा बजा के बताए, फिर फोन किए, गाड़ी मंगवाए, गाड़ी में फिर ले गए। जब गाड़ी की सुविधा मिला करके वो कार्यकर्ता ने बताया, जब गए तो उसी में फ़ोन किया वहाँ, उसके बाद फिर गाड़ी बुलवाए, मैडम ने बुलवा लिया, तो फिर उसी से चले गए घर तक के लगे। डिलीवरी होने के बाद घर तक छोड़ दिए। रात में 10-11 बज गया था, डिलीवरी का समय आ गया था उनका मिसेस की, तो यानी दर्द एकदम ज़्यादा होने लगा था, तो मैं घबराहट छूट गया था मेरे को, मैंने कहा कैसा करूँगा और कैसे ले जाऊँगा, इस टाइप से सोचा। फिर गया, फिर आशा कार्यकर्ता वाले के पास में, तो उन्होंने बोली कि तो बोली थोड़ा सुविधा है, बोले अपना जन्म एक्सप्रेस बुला लेते हैं उसमें और फोन वोन लगा के बुला लेंगे, तो उसमें सरकार की तरफ से पैसे वैसे जो भी राशि है मिल जाएंगे, सही समय पे वहाँ पे इलाज पानी सब चीज़ हो जाएगा, अच्छा सब चीज़, यानी डिलीवरी भी सही समय में हो जाएगा, इस टाइप से उनने बोली। तो मैंने ठीक है कहकर फिर जन्म एक्सप्रेस गाड़ी बुलाया, फिर फ़ोन ऑन करके फ़ोन लगाया, फिर जन्म एक्सप्रेस गाड़ी आई, फिर 11 बजे रात को फिर। हमारी जनजाति में बेटी का जन्म वैसे भी उत्सव लेकर आता है, लाडली लक्ष्मी योजना ने इस खुशी को दुगना कर दिया। लड़कियों के जन्म के प्रति सकारात्मक सोच लाने, बाल विवाह रोकने और उसके अच्छे भविष्य के लिए इस योजना में दूसरी लड़की के जन्म पर उसकी शिक्षा से शादी तक का 1,00,000 रुपये से अधिक की आर्थिक सहायता मध्य प्रदेश शासन देता है। हम लोग समनापुर उपवा में रहते हैं। जब मेरी बेबी हुई तो लाडली लक्ष्मी योजना का हमें पता चला था, और आंगनवाड़ी से कुछ टीचरें हमारे घर आई हुई थी, उन्होंने हमें बताया कि लाडली योजना का फॉर्म हम तुम्हारे लिए लाए हैं, इसे भरो, और सरकार द्वारा तुम दो बेबी जिसकी रहती है और जिसका टीटी हो जाता है उन्हें सरकार हर साल 6,000 रुपये इनाम देती है। तो हमें वो योजना अच्छी लगी और हमने उनकी बातों को माना और उस फॉर्म को भरा, और फिर हमें एक पहला चेक भी मिल चुका है जो हमारी दोनों बेबी के नाम से है। हमें ये लगता है कि अगर हम थोड़ा बहुत भी कमा लें और इस योजना के अनुसार यानी कि हमारे बेबी लोग को पढ़ाई में बहुत सी सुविधाएं मिल जाएगी, और जो भी अगर वो करना चाहेंगी अभी भविष्य के लिए, तो इस योजना के तहत उन्हें वो पैसे के अनुसार वो अपने भविष्य को बना सकती हैं। लड़कियों को ऊंची शिक्षा के लिए अगर घर से कुछ किलोमीटर दूर जाना पड़े तो उन्हें साइकिल दी गई। अब लड़कों को भी ये सुविधा मिल रही है। हमें भी ऐसी ही साइकिलें मिली थी विश्वास। इस क्षेत्र में अधिकांश माताएं अब अपने बच्चों की अच्छी शिक्षा को लेकर चिंता मुक्त नजर आ रही हैं। अच्छा लगता है हमारे बच्चे पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे तो ज्यादा उनके भविष्य में कुछ रौनक आएगा। हाँ, पढ़ेंगे लिखेंगे तो मजदूरी नहीं कराएंगे, नौकरी के लिए सोचेंगे उनके लिए। पहले के बच्चे पढ़ते लिखते नहीं थे, अब के बच्चे छोटे छोटे भी पढ़ने लिखने जाने तैयार हैं। कहाँ काम पे जा रहे तो नहीं हम पढ़ने जाएंगे, हमको पढ़ाओ ढंग से, यही बोलते हैं। परिवर्तन तो आएगा ही, क्यों नहीं आएगा। परिवर्तन पढ़ेंगे लिखेंगे बच्चे, धीरे धीरे सब परिवर्तन आ जाएगा गाँव में। दूर दराज स्कूलों में अब कंप्यूटर पहुँच चुका है, पंचायतों की जानकारी अब कंप्यूटर में दर्ज हो रही है। ये सब हुआ गांव तक बिजली पहुंचने से।
चार साल हुआ सर यहाँ लाइट आई है, तो पहले नहीं थी लाइट, अंधेरे में रहते थे, मट्टी तेल जला रहे थे, सोसाइटी से खरीद के लाते थे, जलाते थे। अब ये लाइट आई है तो थोड़ा इस गांव का रौनक भी बदला है। टीवी है कुछ लोगों के पास, तो कोई जिसके पास टीवी नहीं है तो कोई लोग देखने चले जाते हैं, मनोरंजन कर लेते हैं, टाइम पास कर लेते हैं, जैसा क्रिकेट होता है, मैच होता है, ये बहुत ज़्यादा करके देखते हैं साहब। इस गांव में स्कूल में टीवी भी है सर, कंप्यूटर भी लगा हुआ है, हर स्कूल वाले में लगा हुआ है, सब बच्चे लोग भी देखते हैं। और इस गांव का क्या है, रौनक भी थोड़ा अलग बदल चुका है, थोड़ा अच्छा लगता है। इस गांव में है लाइट तो खुशहाल टाइप का थोड़ा ठीक लगता है। लैंडलाइन, WLL और अब मोबाइल फोन का उपयोग भी यहां होने लगा है। इतने तकनीकी परिवर्तनों के बाद भी जंगलों से इनका रिश्ता आज भी कायम है। इस जुड़ाव को बनाए रखा है वन विभाग ने। सागौन और बांस का रोपण वन समितियों के माध्यम से किया जा रहा है। इस वृक्षारोपण से जो कटाई किया जाएगा उसके बाद उसको बेचा जाएगा और उसके एक तिहाई जो भाग है उसे फायदे वाला उसे हमें दिया जाएगा। हमारे सारे त्योहार जंगल और प्रकृति से जुड़े हैं। हरेली मनाए अभी सर, हरेली को जीवती कहते हैं, उसके बाद पोला मनाएंगे, पोला से कन्हैया मनाते हैं, कन्हैया भी मनाते हैं, लेकिन हम लोग कन्हैया का उतना चार पांच त्योहार इतना ठीक मनाते हैं। हमारे समाज के है बड़ा देव, उसको सब मिलके मनाते, उसको सब मनाते हैं बैसाख पूर्णिमा में। यहाँ लगने वाले साप्ताहिक हाट बाजार भी हमारे लिए किसी त्योहार से कम नहीं होते। एक समय था जब हम इन शहरी चीजों से दूर भागते थे, अब कितना बदलाव आ गया है। नहीं पहले हम और ना हमारे अलग चल रहे थे, ब्लाउज नहीं पहनते, अभी करा लग गोट है, अब ब्लाउज भी पहनता। हमार सास ससुर नहीं पहरिन ब्लाउज ला नहीं पहरिन, अभी हम पहर था। पहले आशीष रहा है नाना सी बाट रहा है तो ढुई ढुई बाट ले जान, हम साहब ढुई ढुई बाट ले जान, हम कहाँ जान सीधे सीधे दुगल टोला में निकला नुकवा जानता। और हम लोग एक ठान बाजार सपड़े, गांव में दुकान नहीं काई नहीं, कनकी ले बेला जानते हम नुकवा जान। अभी अभी अब रोड बन गए, हमला बहुत सीधान हो गए, अब दिन कर दिन हमला सचिव सरपंच भी काम में लगाते जब थे तो पैसा कौड़ी भी मिलता है हमला, तो हम पैसा कौड़ी मिलता है तो बने खाथन पीथन। और हमला फिर राशन भी देवा है, महीना भर के आन लेते हैं तो हमला राशन पुर जाता है साहब, गेहूँ देता है, चाउर देता है, मट्टी तेल देता है, नोन देता है, सरकारी गाड़ी आता है साहब, चलो बालाघाट डिलीवरी करने ले जो। हमला बहुत रोड बन गए थे, सीधान हो गए, तो हाँ दुखती ना हमारे डोकरी आदमी कार हाथ गोड़, हाँ गाड़ी से आता 10 रुपया देथन ते देथन साहब, हमला बढ़िया सिद्धान है। अब तीन बेटा है ते सुन अपने दो दो बच्ची हुन हो गई ने, दो जे बच्चे वारे भी हैं साहब ते उन कमी हो जन का कथा साहब, बोला नहीं जाना ना ऑपरेशन करा ले हैं तीन ठन बेटा, उनकर भी लाड़ी लक्ष्मी बन गए, उन नाती ननकर एक ठा बेटा एक ठा बेटिया से आए, उनकर लाड़ी लक्ष्मी होता है साहब, ता परसवार ले चेक मिल मिल के आने हैं जो साहब, तो उन राग धरे और ब्याह करबो तो पैसा मिली दाई कथा है। हाँ उन बेटा हमार तोर नतरीन कर पैसा मिली दाई तो ब्याह करबो तोर नतरीन कर कथा है। थोड़ा समय लगा, कई बाधाएं भी आती रहीं, लेकिन अब तुम लोग हमें अढ़ा यानी अनाड़ी नहीं कह सकते,
हम भी विकास की दौड़ में सबके साथ हैं। मवा गांव बदले असीम।